नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। बड़ी खबर, थाना कोटाडोल से प्रार्थी मनोज गुप्ता शाकिन कोटाडोल के घर के दरवाजे के गुलावा को तोड़कर अंतर्राज्यीय चोरी के आरोपी पप्पू बसोर, मोतीलाल बसोर, मोहनलाल बसोर, राम मिलन बसोर, ग्राम सरई बुधेला के द्वारा वर्ष 2019 की रात को घर के अंदर कमरे से सोने चांदी के जेवर, नकदी 3,000 रूपए, जुमली कीमत 49,000 रूपए चोरी कर ले गए तथा प्रार्थी अनूप कुमार सोनी के कमरे का दरवाजा तोड़कर सोने चांदी के जेवर, बैग, अटैची चोरी कर कीमती 1,41,000 रूपए चोरी करके ले गए। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना किया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में आरोपी मोतीलाल बसोर, राम मिलन बसोर, मोहनलाल बसोर से चांदी के जेवर एवं नकदी एवं घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल कीमती क्रमशः दोनों प्रकरणों में 16,000 एवं 55,000 रूपए, उक्त जुमला रकम 31,000 रूपए जब्त कर उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया, जिसका मामला विचाराधीन है। मुख्य आरोपी पप्पू बसोर घटना पश्चात फरार था, जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही थी। श्री संतोष सिंह पुलिस अधीक्षक कोरिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुरिका सिंह बैकंठपुर एवं SDOP मनेंद्रगढ़ राकेश कुर्रे के निर्देशन पर 2 साल 3 महीने से फरार आरोपी को थाना प्रभारी निरीक्षक तेजनाथ सिंह, हमराहा उप निरीक्षक शिव कुमार कंवर एवं उनकी टीम के द्वारा आरोपी पप्पू बसोर के मेमोरेंडम कथन मुताबिक दिनांक 1 सितम्बर को रवाना होकर ग्राम सरई थाना सरई मध्य प्रदेश जाकर आरोपी के निशानदेही में राम किशोर सोनी चोरी किए जेवर खरीदी किया है। इसे पूछताछ की गई एवं आरोपी पप्पू बसोर से चोरी के जेवर को बिक्री रकम से खरीदी मोटरसाइकिल क्रमांक MP66MJ3309 कीमत 80,000 जब्त किया गया। अपराध क्रमांक 13/2019 धारा 457, 380, 411, 201 IPC आरोपी पप्पू बसोर एवं आरोपी राम किशोर सोनी जो चोरी का माल सोने चांदी को खरीद कर गला कर बिक्री करने का आदि है, जिसे दिनांक 1 सितंबर को गिरफ्तार किया गया तथा अपराध क्रमांक 14/2019 धारा 457, 380, 411, 201 IPC के तहत रिमांड में लिया गया। R9 भारत के लिए अजीम अंसारी की रिपोर्ट, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।